हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है डिस्कस करें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेल इज अ डिवाइस विच, सेल एक उपकरण है जो पहला ऑप्शन है कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी पहला जो है विकल्प वो है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, दूसरा है कि ये विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, यह विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चौथा है नन ऑफ दीस, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ए है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सी है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेल क्या है। सेल एक उपकरण है जो जो क्या करता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपके पास चार विकल्प हैं, इनमें से आपको कोई एक विकल्प चुनना है जो आपको लगता है कि सही। ठीक है, जी आई सी रीठा खाल, जैसी रीठा खाल को एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज अभिनव। ठीक है अभिनव बेटा, आप ये बताइए कि सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, ये आपको बताना है। सामने आपके पास चार विकल्प है। पहला है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बेटा आप फिर से रिपीट कीजिए। मैम ए रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वेरी गुड अभिनव बेटा, वेरी गुड। सब क्लैपिंग बजाएंगे, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है कि ये क्या करता है, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर हम सेल के बारे में समझें तो आप क्या जानते हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा को देने का कार्य आपका सेल करते हैं। सेल जो होता है, सेल में जो आपकी ऊर्जा होती है वो रासायनिक रूप से स्टोर होती है, यानी वहां पे केमिकली वो स्टोर होती है। जब हम इसे तारों से जोड़ते हैं और फिर बल्ब से इसे जोड़ देते हैं, यानी एक विद्युत परिपथ से इसे जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, जो केमिकल फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो कि सेल के अंदर केमिकल या रासायनिक रूप से जो है उसके अंदर है, वो जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण वो परिपथ में प्रवाहित होती है और जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसे दीप्तमान करती है। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। अब आपका अगला प्रश्न है, अ बल्ब हैज, एक बल्ब
है, यानी आपको बताना है कि एक बल्ब का क्या होता है, एक बल्ब में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास चार विकल्प हैं। ठीक है, पहला है आपका टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट, यानी दो टर्मिनल और एक फिलामेंट। बी है आपका ऑप्शन टू टर्मिनल्स एंड टू फिलामेंट, यानी दो टर्मिनल और दो फिलामेंट। सी है मल्टीपल टर्मिनल एंड सिंगल फिलामेंट, यानी मल्टीपल यानी बहुत सारे टर्मिनल और एक जो है फिलामेंट हो। दूसरा है सिंगल टर्मिनल एंड सिंगल फिलामेंट, यानी एक टर्मिनल और एक फिलामेंट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो आपका विद्युत बल्ब होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं और कितने फिलामेंट होते हैं। ठीक है, माइक। गुड गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज पारस बुबनोई। ठीक है, तो पारस बेटा आप ये बताइए पारस कि बेटा आप बल्ब ये के कितने बताइए टर्मिनल होते हैं और कितने फिलामेंट होते हैं? मैम टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट। तो इसका आप आंसर क्या होगा बेटा? मैम ए। वेरी गुड, तो पारस के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे कि पारस ने कहा कि जो बल्ब है, बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं और एक फिलामेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम एक विद्युत बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, एक विद्युत बल्ब है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो विद्युत बल्ब में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो है उसका जो मेटल का केस होता है, ठीक है, बल्ब का जो ऊपर का होता है, ऊपर का किसका बना होता है, कांच का, ऊपर का कांच का केस होता है, नीचे का मेटल यानी धातु का केस होता है। अब एक टर्मिनल जो है वो इस मेटल के केस से जुड़ा होता है, वहीं दूसरा जो टर्मिनल है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, इसके नीचे जो मेटल की टिप होती है वहां पे होता है। ठीक है, इधर पे आपका एक टर्मिनल होता है और दूसरा टर्मिनल आपका यहाँ पे मेटल के केस में होता है। अब अगर हम फिलामेंट की बात करें तो इसका जो फिलामेंट होता है वो एक होता है जो कि इन दो मोटी तारों के बीच में होता है। ठीक है, तार आपकी जो बल्ब होता है उसमें दो तारे होती है, दो मोटी तारे होती है। एक तार जो है यहाँ पे केस से जुड़ा होता है जो कि आपका एक टर्मिनल होता है, और दूसरी तार आपकी इसके बेस में यानी इसके नीचे एक मेटल की धातु की टिप होती है वहां से जुड़ा। ठीक है, तो यानी जो आपका विद्युत बल्ब होता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं, उसके आपके दो टर्मिनल होते हैं और एक फिलामेंट होता है, यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट। ठीक है, यानी दो टर्मिनल और एक फिलामेंट। अब आपका अगला प्रश्न है, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आपको ये बताना है कि किस जो है मटेरियल से, किस पदार्थ से जो है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है एल्यूमिनियम, ठीक है, बी है क्रोमियम, तीसरा है प्लैटिनम और चौथा है टंगस्टन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, जीआईसी, रीठा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेस। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ मॉर्निंग तो आंसर बताइए बेटा। मैम ए एल्युमिनियम। ए एल्युमिनियम पक्का? और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? जैसी रीठा काल, मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? संगीता। ठीक है संगीता बेटा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैम सी वाला। सी प्लैटिनम। ठीक है ठीक जी है, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। और किसी को आता है जीआईसी रीठा खाल में? अगर किसी को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक जीआईसी सालदे, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा थोड़ा बीच में आइए आपके। हाँ मैम। टी वाला। डी टंगस्टन। आपका नाम क्या है? यस मैम। अभय। अभय बेटा, वेरी गुड। अभय। ठीक है, सब अभय के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है तो बेटा इसका जो आंसर है वो टंगस्टन है। आप बैठ जाइए। ठीक है तो जो आपका बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब का ये क्या है आपका? कांच का केस है। और नीचे क्या है? नीचे आपका ये मेटल का केस है। अब यहाँ पे जो आपको इन दो मोटी तारों के बीच में ये दिखाई दे रहा है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और जो ये फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना। ठीक है, यही जो है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये ग्लो करता है, यानी यही दीप्त करता है और बल्ब से आपको ऐसा लगता है कि ऊर्जा निकल रही है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, लाइट एनर्जी निकल रही है। तो किसके कारण निकलती है? वो फिलामेंट के लिए, क्योंकि फिलामेंट क्या करता है? ग्लो करता है, वो दीप्त होता है। ठीक है, जैसे ही उससे धारा प्रवाहित होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या था आपका? टंगस्टन। तो जो आपका बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी टंगस्टन। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बल्ब ग्लोज ओनली इन, बल्ब जलता है, यानी आपको बताना है बल्ब कब जलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला है क्लोज्ड सर्किट यानी पूर्ण परिपथ में, दूसरा है ओपन सर्किट यानी अपूर्ण परिपथ में, तीसरा है इन बोथ सर्किट यानी दोनों सर्किट में, दोनों परिपथ में, चौथा है आपका ओपन सर्किट इफ बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड, यानी ओपन सर्किट में यानी कि अपूर्ण परिपथ में जब बल्ब क्या है? फ्यूज हो रखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ। ठीक है, ये आपको क्या है? पूर्ण परिपथ है। ओपन सर्किट यानी अपूर्ण, अपूर्ण परिपथ। फिर है इन बोथ सर्किट यानी दोनों सर्किट में, और डी है आपका अपूर्ण परिपथ में अगर बल्ब फ्यूज नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपके क्या है ऑप्शंस? पहला है पूर्ण, फिर है दूसरा अपूर्ण, दोनों परिपथ में, और कब? जब अपूर्ण परिपथ है और जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं है। ठीक है, जीआईसी रीठा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि बल्ब कब जलता है या बल्ब कब दीप्तमान होता है? मैम ऑप्शन ए क्लोज्ड सर्किट। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्लोज सर्किट पूर्ण परिपथ। ठीक है, यानी कंप्लीट जो सर्किट होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभिनव के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपसे ये कहा गया है कि बल्ब कब जलता है यानी कब दीप्तमान होता है। तो जो बल्ब है वो हमेशा क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ में दीप्तमान होता है। अब पूर्ण परिपथ का अर्थ क्या है? पूर्ण परिपथ का अर्थ है जब अगर हम किसी सिंपल सर्किट की बात करते हैं तो जिस सर्किट में बीच से जो है सर्किट टूटा नहीं होता, बीच से जिसमें कोई गैप नहीं होता या टूटा नहीं होता, जिससे कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे परिपथ या ऐसे जो सर्किट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट। अगर बीच में कहीं जो है आपका गैप हो जाता है, जैसे कि कहीं से जो सर्किट है वो टूट गया, ठीक है, पूरा नहीं है, टूट रखा है, या आपने स्विच लगाया है, स्विच ऑफ की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सर्किट होता है वो अपूर्ण होता है। तो पूर्ण सर्किट क्या होता है? जिसमें कनेक्शन पूरे होते हैं, जहाँ पे जो धारा है वो कॉन्टिन्यूसली प्रवाहित हो जाती है, बीच में कहीं से भी सर्किट टूटा नहीं होता। ऐसे सर्किट में धारा प्रवाहित होती है जिस कारण क्या होता है? बल्ब दीप्तमान हो जाता है। तो जब बल्ब जो है वो दीप्तमान तभी होता है जब सर्किट क्या हो? क्लोज्ड हो यानी पूर्ण हो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन है ए है, यानी क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ बैटरी इज, एक बैटरी आपको बताना है, एक बैटरी कैसी होती है ये बताना है आपको, बैटरी क्या होती है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला है अ सिंगल सेल यानी एक सेल, यानी जो एक सेल होता है वो बैटरी होती है। दूसरा ऑप्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेल आर जॉइंट प्लस टू माइनस, यानी ये क्या होता है? सेलों का संयोजन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी सेलों का संयोजन। ठीक है, सेलों का संयोजन होता है जहां पे जो धन टर्मिनल है, धनात्मक टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल जो है वो ऋणात्मक टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी ये क्या होता है? सेल का संयोजन होता है जिसमें सेल पॉजिटिव से पॉजिटिव में जुड़े होते हैं, यानी धनात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल में जुड़े होते हैं। चौथा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बैटरी क्या होती है। जी आई सी सेल दे, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? पवन बिष्ट। ठीक है पवन बेटा, आप ये बताइए कि बैटरी क्या होती है? एक सिंगल सेल है यानी एक सेल होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है यानी सेलों का संयोजन जिसमें जो सेल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जुड़े? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, नन ऑफ दीज, बी बी बी। अच्छा ठीक है, ठीक है ऑप्शन बी। ठीक है वेरी गुड बेटा, वेरी गुड पवन। ठीक है वेरी गुड, सब पवन के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बैटरी क्या होती है। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या होती है? दो या दो से ज्यादा जो है सेलों का संयोजन, यानी जब आप दो या दो से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो वो बैटरी कहलाती है।
अब बेसिकली जब भी बैटरी में सेलों का संयोजन होता है, ठीक है, जब हम इससे सेल का संयोजन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, तीन सेल, ठीक है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी धनात्मक टर्मिनल, ये इसका क्या है ऋणात्मक टर्मिनल, दूसरे सेल का ये धनात्मक टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है यानी नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरीके से ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल है और ये क्या है आपका ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेल का संयोजन, दो या दो से सेल जब आपस में जोड़े जाते हैं तो वो बैटरी कहलाते हैं। और इनका संयोजन इस प्रकार से होता है कि पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, यानी जब सेलों का संयोजन होता है तो जो ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जो विपरीत टर्मिनल है वो आपस में जोड़े जाते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है, तभी आपके सेल का निर्माण होता है, तभी आपके सेल प्रॉपरली कार्य करते हैं या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि बैटरी क्या है, तो बैटरी क्या है, बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल आर जॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये क्या है, सेलों का संयोजन है जिसमें जो पॉजिटिव का, जो आपका सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका अ सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड, वह पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से या अपने से गुजरने देता कहलाता है, ठीक है। यानी आपसे ये कहा गया है कि एक पदार्थ है जो खुद अपने आप से या खुद से जो है धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी उससे जो है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शंस है, पहला है कंडक्टर यानी चालक या विद्युत चालक, दूसरा है आपका एन इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक, तीसरा है सेमीकंडक्टर और चौथा है आपका सुपरकंडक्टर, यानी चालक, विद्युत रोधक, सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर। अब जब भी हम किसी पदार्थ की बात करते हैं तो जब भी हमने जो आपका चैप्टर था वो पढ़ा था, ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने दो प्रकार के पदार्थ देखे थे। एक पदार्थ वो था जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी जो खुद से धारा को प्रवाहित होने देता है, करंट को फ्लो करने देता है, और एक पदार्थ वो था जो खुद से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, ठीक है। वह पदार्थ जो खुद से धारा को प्रवाहित होने देते हैं उनको हम विद्युत चालक या चालक कहते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, जो मेटल्स हो गए, तो ये क्या है, ये आपके चालक है। क्यों है चालक, क्योंकि इनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिक की, लकड़ी की, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो खुद से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, और ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधक या इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वह पदार्थ जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत गुजर जाती है, तो ऐसे जो है पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम कंडक्टर कहते हैं यानी चालक कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी अ कंडक्टर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की।
तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसुलेटर। आपको एक इंसुलेटर का उदाहरण बताना है, ठीक है, एक इंसुलेटर का या विद्युत रोधक का एग्जांपल बताना है। विद्युत रोधक का क्या बताना है, उदाहरण बताना है इंसुलेटर। पहला है बैकेलाइट, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है आपका टैप वाटर यानी नल का पानी, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बैकेलाइट, एल्यूमिनियम, टैप वाटर यानी नल का पानी, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जीआईसी रीठा खाल को एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, आप ये बताइए अब है कि इसका आंसर क्या होगा। मैम ब्रेक करिए अभिनव। मैम ए, ए बैकेलाइट। ठीक है, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आप बैठ जाइए, सब तालियां बजाएंगे अभिनव के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा विद्युत रोधक है, ठीक है, यानी इंसुलेटर। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है बैकेलाइट, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है टैप वाटर, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या है, एक प्रकार का धातु है, धातु है, और इससे धारा प्रवाहित हो जाती है, जिस कारण ये क्या है, एक चालक है, ठीक है, एक विद्युत चालक है। अगला हम बात करते हैं टैप वाटर की यानी नल के पानी। नल के पानी यानी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पानी, तो जो नॉर्मल पानी होता है जिसे हम पीते करते हैं, ऐसा जो पानी होता है जिसे हम पीते हैं, उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लवण यानी सॉल्ट्स होते हैं, और बेसिकली इन सॉल्ट्स के कारण ये जो पानी होता है ये धारा को खुद से प्रवाहित होने देता है। यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम और नल के पानी की बात करें तो दोनों के दोनों क्या हैं, विद्युत चालक। अब अगर हम बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा पदार्थ है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी ये क्या है, ये विद्युत रोधक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए यानी बैकेलाइट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए बैकेलाइट। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको हमने डिस्कस किया। आज जीआईसी रीठा खाल और जीआईसी सैलदे ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर देते रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको जितना पढ़ाया गया है पूरा आपको चैप्टर रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है, लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।